गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका बंसल फ्रॉम SKM पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर चैप्टर सेकंड, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. ओके, टुडे वी विल एंड अप दिस चैप्टर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट. सो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल about the vouchers. Okay, what are vouchers? It is a document. The vouchers are the document. Okay, what is voucher? Voucher, it is a document which provides authorization to pay on the basis of which transactions are recorded in the books of original entry. ये क्या है कि एक document होता है which provide authorization, to एक authority provide करवाता है. ठीक है, which provides authority, we can say, to pay on the basis of which transactions are recorded. ये किस basis पे pay किए जाते हैं, जो vouchers के ऊपर amount होती है. How the vouchers are cleared? It is cleared on the basis of transactions which are recorded in the books of original entry, because every businessman records the transaction in the books and the vouchers are made clear as per that transactions. Okay, so a separate voucher is prepared for every transaction. There are many type of transactions in the business and a separate voucher is prepared for every transaction. It specifies the accounts to be debited or credited. ये क्या है, स्पेसिफाई करेगा कि अकाउंट को क्रेडिट करना है या डेबिट करना है. ओके, सो वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट. वट इज वाउचर? इट इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड अथोराइजेशन टू पे, विच प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू पे ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओके, नेक्स्ट इज बैड डेट्स. Bad debts is the amount which is not recovered from the debtors. As we have discussed about the debtors, that debtors are the current assets of the business and these are the customers, we can say, that from whom the business has to receive some amount. And if anybody, or we can say, if any customer denied to pay the amount, then they will be known as bad debtors. मतलब एक ऐसे debtors जिनसे पैसा लेना था but they refuse to pay the amount. उन्होंने क्या है, पैसा अब वो नहीं देंगे, तो हम क्या कहेंगे, bad debtors. मतलब वो पैसे डूब चुके हैं. ठीक है, तो वो पैसे डूब चुके हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है, bad debts. Means it is a loss for the business and this is the amount which is not recovered from the debtors. मतलब जब क्या है, debtors amount को pay करने, मतलब debtors वो होते हैं जिससे business से पैसा लेना है. ओके, फ्रॉम होम द बिजनेस हैज़ टू रिसीव द अमाउंट. ओके, एंड इफ दे डिनाई टू पे द अमाउंट देन दे विल बी कन्वर्टेड और दे विल बी नोन एज बैड डेट्स. मतलब ऐसे डेट्स वी कैन से दैट द डेटर्स हु हैज़ रिफ्यूज टू पे द अमाउंट, जिन्होंने क्या है अमाउंट पे करने से रिफ्यूज कर दिया है, दे विल बी नोन एज बैड डेट्स. नेक्स्ट इज रिवेन्यू. रिवेन्यू वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ओके, बट रिवाइजिंग अगेन आई विल रिवाइज दिस, डेट वट इज रिवेन्यू. ओके, इट मीन्स एनी इनकम फ्रॉम एनी रेकरिंग सोर्स. मतलब रेकरिंग सोर्स मीन्स विच इज़ ऑफ रेगुलर नेचर. ओके, विच इज़ ऑफ रेगुलर नेचर. इट इंक्लूड्स द मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स. सी हियर, सेल ऑफ गुड्स इज ऑफ रेकरिंग नेचर, मीन्स इट विल बी डन इन रेगुलर नेचर. ये क्या है, एक रेगुलर नेचर के अंदर किया जाएगा. ठीक है, बिकॉज द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू सेल आर रिलेटेड टू रेकरिंग नेचर, दैट्स वाई द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स विल बी नोन एज रिवेन्यू. ठीक है, जो क्या है, डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको अगर करने से जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है, दैट विल बी नोन एज रिवेन्यू. नेक्स्ट इज सोलवेंट. मतलब ए पर्सन हु इज एबल टू पे. पर्सन हु इज एबल टू पे मीन्स ही हैज़ वेरी गुड फाइनेंशियल पोजिशन, वी कैन से, एंड ही हैज़ द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू पे द डेट्स. ओके, ए पर्सन हु इज हैविंग और ही हु हैज़ द एबिलिटी टू पे ऑफ द डेट्स, डेट विल बी नोन एज सोलवेंट पर्सन. मतलब एक एबल पर्सन जो क्या है अपने डेट्स को पे कर सकता है, डेट विल बी नोन एज सोलवेंट. ओके, एंड लाइक दिस द नेक्स्ट टर्म इज इनसोलवेंट. इनसोलवेंट इज डेट पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे डेट्स. ओके, हु इज नॉट एबल टू पे डेट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने जो भी डेट्स हैं उनको पे ऑफ नहीं कर सकता,
दैट विल बी नोन एज इंसोलेंट, मतलब जिसका दिवालिया निकल चुका है. ओके, वन वर्ड इज़ यूज फॉर दिस दिवालिया, मतलब जो क्या है अपने डेट्स को पे आउट नहीं कर सकता, डैट पर्सन विल बी नोन एज इंसोलमेंट. नेक्स्ट इज GST. दिस इज़ अ न्यू टर्म विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई द गवर्नमेंट, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेज लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, VAT, सर्विस टैक्स एंड these all have been merged into a single tax that is known as GST or Goods or Service Act. Okay, earlier there was a custom duty, excise duty, sales tax, VAT means value added tax were charged on the transactions, but now these all taxes have been merged into a single tax that is known as GST. Okay, GST is paid at the time of purchases and collected at the time of sale. ठीक है, goods and services tax pay कब किया जाता है? When there is purchases. ठीक है, जब कुछ purchase कर रहे हैं. And collect कब किया जा रहा है? When there is something sale. Because in the amount of purchases GST will be included and in the amount of sale also GST will be included. Okay, next is stores. What is stores? The material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business, not for the resale. Okay, ye baat dhyan rakhna hamesha. When the stores word is used, when the material is used in the business only. Okay, it is used for the consumption in the business only, these are not for sale. theek hai, inko kya hai, resale nahi kiya jayega, these will be consumed in the business. Then what word will be used for that material? Stores. Okay, lubricants, spare parts of machinery, packing material, all these are the examples of stores because these are used, or we can say these are consumed in the business only, these are not sold to the another party. ठीक है, इनको क्या है, स्पेयर पार्ट्स है कोई मशीनरी के या पैकिंग मटेरियल है, इनको स्टोर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज आर यूज और कंज्यूम्ड इन द बिजनेस ओनली, दीज आर नॉट रीसेल्ड, इनको क्या है, आगे रीसेल नहीं किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड हेयर वी कैन यूज ए सिंपल वर्ड सेल्स. ठीक है, इसके लिए हम एक सिंपल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डैट इज सेल्स. ओके, इट इज़ द रेवेन्यू अर्न बाई एनी एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उनसे जो उसको रेवेन्यू. अब देखो रेवेन्यू वर्ड क्यों किया जा रहा है, बिकॉज दीज ट्रांजेक्शन्स विल बी डन इन ए रेगुलर नेचर. ओके, दीज ट्रांजेक्शन्स विल बी डन इन ए रेगुलर नेचर, डैट्स वाई द रेवेन्यू वर्ड इज़ यूज. ओके, एंड वट कैन बी द एग्जाम्पल फॉर द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड गुड्स. ओके, इफ देर इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव्ड इन कंसिडरेशन, डैट विल बी नोन एज रेवेन्यू. ठीक है, कंसिडरेशन के अंदर जो अमाउंट रिसीव होगी डैट विल बी नोन एज रेवेन्यू. Next is entity. Okay, the word entity is used and we can say it is used for an economic unit which is formed for earning income by providing goods and services. मतलब entity एक enterprise को कह सकते हैं कि एक ऐसी establishment की जाना which is formed for earning income and these are providing goods and services and in return they are earning income. Okay, like there is a example of Jio, Honda, Sunsui. We can take there are many entities. Okay, we can say that there are many business establishments which are related to economic units and these are established for earning income and these are providing goods and services in return. Okay, there are that Hero that any that related to that business which is formed for a special, we can say that a famous organization we can consider as a entity. ठीक है, आप कोई भी कहे रिलायंस है जैसे, तो ये मतलब क्या है, एंटिटीज हैं बिकॉज दीज आर द इकोनॉमिक यूनिट, दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग इनकम. ओके, नेक्स्ट इज टर्नओवर. टर्नओवर मीन्स सेल्स. ओके, टर्नओवर वर्ड इज़ यूज फॉर द सेल्स. व्हेन द टर्नओवर वर्ड इज़ यूज, इट इज़ यूज फॉर द सेल्स. ओके, एंड
टर्नओवर मींस सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड. एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अपने जैसे पूछे कि आपकी इस साल की टर्नओवर क्या है, इट मींस दे आर कंसीडरिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड दैट व्हाट इज द सेल फॉर दिस ईयर. इट मींस दे आर आस्किंग, दे आर कंफर्मिंग अबाउट द सेल एंड हेयर द वर्ड वी कैन यूज That is turnover. Okay, इसकी जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? Sales and turnover means sales made in a particular period. And next is livestock. Okay, livestock is also considered as the asset of the business. And in this, domestic animals such as horses, cattle, these are considered as livestock. Okay. Because the cattles are in why the cattles are involved, because there is a cattle rearing. Okay, वो लोग क्या हैं मतलब उनका milk वगैरह sell करते हैं, that they do a occupation, we can say that they do a business for earning the money by rearing the cattle. Okay, like these horses are also reared, these are related to livestock. Okay, domestic animals such as horses and cattle are kept under the category of livestock. Next is investment. Investment means deployment of funds in shares and debentures. Okay, when the business is investing the amount in shares and debentures, that will be considered as investment. And why these investments are done? For earning a return. मतलब return के अंदर वो क्या जाते हैं? Income. Okay, for earning income in return, they do the investment. Why the investment is done? To get the income in return. Okay. So students, we have completed almost all the basic accounting terms which will be used in the coming chapters. Revise this topic from book. If you face any problem, you are free to ask. Stay home, stay safe. Thank you.